तो फिर जो अभी विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों का सामना कैसे होगा? नहीं, वन साइड है सुधीर भाव है बिल्कुल, क्योंकि वो धर्म के आधार पे नहीं देखते। मैं वैसे में मुस्लिम इसमें आता हूँ, लेकिन सुधीर भाव का जो एक मत है वो सभी के लिए बहुत अच्छा है। समाजाची ती बाई होती, त्याच्या सारा ते झाला होता। आता कोणी असू द्या, काँग्रेस पार्टीचे कोणी असू द्या, आता सुधीर भाव कसा एकदम वन नंबर टॉप। आपका वोट इस बार किसको जाएगा? बीजेपी को, जीतने वाला उसको डालना है ना हमको। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो लोग समझदार रहेंगे और देश हित में काम भी करेंगे। 15 लाख में से 7,000 रुपये भी आए, कांग्रेस है एक ऐसी पार्टी आए जो रोजगार प्रोवाइड करे। तेल 125 रुपये लीटर भी कर दिए ना। नमस्कार मंडळी, तर मी आहे उत्कर्षा आणि मी आज आली आहे बल्लारपूर क्षेत्रात। तर विधानसभेची निवडणूक 20 नोव्हेंबरला आहे, तर चला आपण लोकांकडनं त्यांचे मत जाणून घेऊया। आपको क्या लगता है इस विधानसभा के चुनाव में किसकी आवाज़ ज़्यादा है और कौन चुन के आएगा? सुधीर मुगंटीवार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आएंगे? वो अच्छा काम करते हैं, चंद्रपुर जिले का, हर जिले का काम अच्छा कर रहे हैं, जितने उनका क्षेत्र है। किसी का सोचा सुधीर बाबू समोर सकते पीके आते वन नंबर पर सुधीर बाबू आया था। तो आपको पता ही है कि अभी विधानसभा का चुनाव पास में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये विधानसभा में कौन आमदार के लिए चुन के आएंगे? अभी काम तो हमारे पुराने जो है सुधीर भाऊ का काम बहुत अच्छा है बल्लार से पूरे तहसील में, और उनके काम का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता यहाँ पे। बाकी दूसरा कुछ है, उम्मीदवार तो इतना खास है नहीं यहाँ पर, कांग्रेस का है लेकिन वो उनको कोई पहचान ज़्यादा है नहीं उनकी। लेकिन अभी हमारे ये जो सुधीर भाऊ है उनके बल्लारशाह तहसील के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है और वही मेरे ख्याल से अभी इच्छुक है उसके। समाजाची ती बाई होती, त्याच्या सारा ते झाला होता। आता कोणी असू द्या, काँग्रेस पार्टीचे कोणी असू द्या, आता सुधीर भाऊ कसा एकदम वन नंबर टॉपर माणूस आहे। तो फिर जो अभी विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों का सामना कैसे होगा? नहीं, वन साइड है सुधीर भाऊ है बिल्कुल। विकास तो वैसे और भी है, बहुत सारे हैं, जैसा हमारे कॉम्प्लेक्स का है, पुराने बस स्टैंड का, नगर पालिका भी नई बन रही है, और बहुत सारे और भी विकास है यहाँ पे जो, क्योंकि वो धर्म के आधार पे नहीं देखते। मैं वैसे में मुस्लिम इसमें आता हूँ, लेकिन सुधीर भाऊ का जो एक मत है वो सभी के लिए बहुत अच्छा है और उस पर रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, और हम भी चाहेंगे कि वो आए। हम पार्टी देख के नहीं लेकिन आदमी को देख के काम करना पसंद करते हैं। यूथ एक यूथ बोल के आपको क्या लगता है कि ये विधानसभा में क्या होगा और विधानसभा में आमदार कौन आएंगे? मेरे को तो लग रहा है सुधीर भाऊ ही आएंगे, क्योंकि यहाँ जैसा उनका जितना काम किया गया है, अभी कॉम्प्लेक्स के लिए 3 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, और यहाँ बोले तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, यानी मॉल टाइप बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारा और भी बल्लारशाह में और भी काम है, तो जो काम करेंगे वो आएगा। 12th में तो यानी जितना होना चाहिए सभी हो रहा है। तर कसा चालू आहे तुमचा धंदा? कसा चालू आहे तुमचा धंदा? आता जरा जास्त हे नाही आहे, थोडा दिवस आहे, परंतु आता इलेक्शन समोर आहे ना, तर लोक थोडं पैसे जमा करतात लोक आता। तर काय वाटतं या इलेक्शनमध्ये कोण निवडून येणार? या इलेक्शनमध्ये सुधीर भाऊचा जास्त जोर आहे। असं का वाटते तुम्हाला? असं म्हणजे कसं, इकडे या आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये त्याचे जास्तीत जास्त प्रमाणे काम केलेले त्यानं, रोडाचे, रस्त्याचे, काही शाळेचे बांधकाम हे ते पुरे, म्हणजे गोरगरिबाचे लाडली बहिणीचे बी काफी त्यानं हे केलेले आहे। बहुत छान, बहुत सामोर जाणार आणि माझ्या धुवानी सामोर निघणार, काउन माहीत आहे त्यांच्यासारखं कोणी करूच नाही शकत। त्यांनी आजवरी त्यांना जे केलं कोणी नाही केलं। आतापर्यंत त्यांनी बल्लारशामध्ये कोणकोणते विकास आणि कोणकोणती प्रगती केली? बनवली, मेडिकल कॉलेज बनवली, पोटनिकल गार्डन चालू आहे, हर वस्तू केली, लाडकी बहिणीचे पैसे दिले, सगळं दिलं, लोकांना कळत नाही पण त्यांच्यासारखा माणूस नाही। सुधीर भाऊ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आज दशकों से बेहतर है, और दूसरी पार्टियों की बनिस्बत देखेंगे तो काफ़ी जो है वो जनता के बीच घुले मिले हैं, खास करके जो उनका डेवलपमेंट का एक एजेंडा है वो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर 10 साल पहले आए थे और उसी के हिसाब से खासकर शराबबंदी है। और अब इस विधानसभा चुनाव में मैं तो समझता हूँ कि 50,000 वोटों से ऊपर ही जीतेंगे, ये मेरा अनुमान है। एक सवाल, ऐसा कहा जाता है कि सुधीर भाऊ इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, मतलब अपोजिट है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कोई वक्तव्य नहीं आया है, ऑन द माइक मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं आई है। हाँ, जो परेशानियाँ हैं मुसलमानों की, उनको हम यही कहेंगे कि जो मुसलमान शिक्षा से दूर हैं उनको कोई भी पार्टी हो,
खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसे राज्य में काफ़ी समय से है और केंद्र में है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं, विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। यहाँ पर उद्धव उम्मीदवार है संतोष रावत, तो उसके उनके बारे में आपको क्या कहना है? अरे उनको तो हम जाते भी नहीं है, तो उनके बारे में क्या करेंगे कहें? जिनको 4,500 या 7,500 किसी को 9,000 मिले, अगर वो वोट नहीं डालेंगी तो उनको भगवान के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में किसकी ज्यादा हवा है? आमदार जो अच्छा काम करेंगे वही आएंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है आपको कौन लगता है? कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो अच्छा काम कर रही है, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं कर रही और कांग्रेस भी उसके पीछे पीछे ही है, साथ में है दोनों एक साथ। देखिए हवा की बात तो नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि एक ऐसी पार्टी आए जो रोजगार प्रोवाइड करे। विदर्भ में देखिए सबसे ज़्यादा उद्योग विदर्भ में है, विदर्भ में ही बेरोजगारी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है इस विधानसभा के चुनाव में दोनों का सामना कैसे होगा? हर चीज़ में आज देखिए, जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी की बात ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पॉल्यूशन हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोल माइंस है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, पेपर मिल है एशिया की सबसे बड़ी, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ हम लोग झेल रहे हैं, बेरोजगारी भी हम ही झेल रहे हैं, ऊपर से महंगे दामों पे बिजली भी हम ही लोग खरीद रहे हैं। यहाँ 10 रुपये पर यूनिट अभी कॉस्ट है और 100 यूनिट के बाद तो और रेट बढ़ते जाता है वो सब। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो भी आई है रेवड़ी के चक्कर में जो बटी है सरकार, नहीं क्या रेवड़ी बांटने में लाड़के भाव लाड़की, उससे बेटर है कि कई उद्योग खोले, छोटे छोटे फैक्ट्रीज लाए और लोगों को मतलब नौकरी दे, रोजगार दे। रोजगार देने से क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, इंसान इंडिपेंडेंट रह के क्या आज है कल नहीं रहेगा। अब जो अच्छा काम किया लाडली बहन को जो पैसा दिए, पैसा तो 15 लाख का वादा किए बाद अभी 7,000 ही रुपये दिए, 15 लाख में से 7,000 रुपये भी आए ठीक है उनका, लेकिन अभी तो कांग्रेस है। और जो भी आमदार चुन के आएगा तो आपको क्या लगता है कि ये आमदार ने ऐसे काम करने चाहिए या फिर आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? कुछ भी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, क्योंकि 26 साल का हो गया मैं, 26 साल में से 15 साल की समझ है। 15 साल में जो भी गवर्नमेंट आई कुछ भी नहीं करी, वो सिर्फ वादे रहते बस और कुछ काम नहीं करते। नेता ऐसा है कि आम आदमी कोई भी चले जाए उसके पास तो सबको मिलने देते हैं, बाकी नेता के पास मुलाकात नहीं होती है और काम भी करते हैं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है हमको नहीं पता, उसके बारे हमको नहीं मालूम, कभी गए भी उनके पास, उनको नहीं पता हमको। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इस विधानसभा के चुनाव में सुधीर भाऊ जीत के आएंगे? हाँ वही चुन के आएंगे, वही आएंगे। आता आम्ही आलो आहो बल्लारशाहच्या गांधी चौकमध्ये आणि इथे सगळेजण दिवाळीची शॉपिंग करत आहे, तर दिवाळीची शॉपिंग करता करताच आपण त्यांना विचारूया त्यांचे मत, त्यांचे विधानसभाचे जे हे इलेक्शन आहे त्याच्याबद्दल त्यांचे काय मत आहे आपण ते सर्व जाणून घेऊया। आवाज आहे आम्हाला आता सुधीर भाऊ वाटतो, मैंने सो वाटते का येणारच अशी खात्री तुम्ही कसे का देता है, काय रीजन आहे? त्यांनी इतके वर्ष झाले, आता त्यांनी खूप काही केलेलं आहे आमच्या बल्लारशाहमध्ये, ज्याच्यामुळे सुधीर भाऊच येतील। आमदार आहे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जसे, तर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार तो उन्होंने अभी तक क्या किया है, कौन कौन से काम किए? बहुत कुछ काम किए, बहुत काम। और अभी अगर वो आते हैं आमदार बन के तो आप उनसे और एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो? और भी रखेंगे कुछ, जो भी होगा जो भी आए अच्छे से आना चाहिए और कुछ करना चाहिए समाज के लिए, युवा के लिए, सबके लिए। और मेरी यही आशा है जो भी कुछ आते हैं अच्छा करो ताकि लोगों की नज़र में उनकी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने और सब ठीक अच्छा करें। अभी दिवाली का क्या चालू है? दिवाली का तोरण लटकन बेचना चल रहा है। धंधा अच्छे से चल रहा है आपका? और जो अभी लाड़की बहन के पैसे मिल रहे हैं तो मिले सब, एंजॉयमेंट चालू है उसके इससे। तो आपसे कुछ सवाल जवाब करने थे, अभी जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का उसके बारे में, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में कौन चुन के आएगा आमदार के लिए? देखो अब वो आम जनता का सवाल है, कैसे हर किसी के बारे में तो अब नहीं बता सकते, कोई किसी को लाता है, कोई किसी को लाता है। अब देखेंगे जिसका प्रचार ज़्यादा होगा शायद वो जीत के आ जाए। देखो कोई भी हो बट फेयर हो,
फेयर होना चाहिए इलेक्शन, ये हमको चाहिए भाई, फेयर हो और एकदम ऐसा हो कि सबकी सुने और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हल हो। पहले सब वोटिंग के पहले होना चाहिए अच्छा अच्छा है, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, पहले आप बातें करो प्रॉमिस, बाद में कुछ ना मिले ये नहीं होना चाहिए। त्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे, नुसतं पोलीस स्टेशन किंवा दवाखाना बांधून हे नाही, जसं सगळ्या सोयी करायला पाहिजे। नाट्यगृह पण काय फायदा आहे आपल्याला, काहीच नाही, जो पिक्चरच्या टाकीच्या बंद होऊन तर नाटक बघायला कोण जाणार हे तर समजायला पाहिजे ना। त्याच्यापासून असा फायदा करायला पाहिजे का जो युवा पिढीसाठी रोजगार मिळायला पाहिजे। इथे ना खूप गर्दी आहे आणि खूप शॉपिंग चालू आहे, तर चला विचारूया लाडक्या बहिणीच्या पैशानेच त्यांनी शॉपिंग करून राहिली की काय। चला, खूप कामं केले आहे त्यांनी आणि ते यायला हवे असं आम्हाला वाटते। तर आणि पुन्हा या विधानसभेत जे उमेदवार आहे त्या दोघांमध्ये सामना कसा होणार काय वाटते? उमेदवार कोण आहे दुसरे मला नाही। किती मिळाले लाडक्या बहिणीचे पैसे? स्टार्टिंग 4,500 मिळाले, नंतर 3,000 आले, टोटल 7,500 आले। अच्छा अच्छा, तर आता दिवाळीमध्ये सगळे संपायचा विचार चालू आहे वाटते पूर्ण। काय वाटते या विधानसभेत कोण निवडून येणार आमदारसाठी? सुधीर भाऊ मुनगंटीवर। असं का वाटते तुम्हाला? कारण की त्यांच्या मेहनतीचं तेवढं फळ आहे, ते खूप चांगलं त्यांनी कामं केले समोर। आणि पुन्हा आता आमदार म्हणून निवडून आल्यावर त्यांच्याकडनं तुमच्या काय अपेक्षा आहे समोर? आम्ही अपेक्षा करायच्या पहिलेच ते सगळं पूर्ण करणार अशी आमची अपेक्षा आहे। अरे वा वा, बढिया, एकदम येणार आहे। असं का वाटतं? एकदम माहीत नाही कोण, त्यानं खूप सारं काम केलं आता बायांसाठी, लाडकी बहिणीचा फॉर्म निघाले, खूप सारं करताय, रोड बरोबर करताय, बायांचं मत तेच वाटतंय भाऊ येणार आहे म्हणून, आता सांगू नाही शकत सम येतेस। तर तेव्हा बल्लारच्या क्षेत्रातूनच त्यांना कमी मतं पडले होते, तर त्याचं रिझन का आणि तेच आता सेम होणार का? तर रिझन कसं आहे ना, सगळ्यांचं अलग अलग मत राहते, एकसारखं नाही राहत। बाईंचं कसं आहे, आमच्यासाठी काय नाही कळलं त्याच्यासाठी काय नाही। आता जसं लाडकी बहिणीचा फॉर्म निघाला आहे त्याचं पाहून असं वाटतं का ते बाई येणारच आहे, कारण की आता लोकांचं मत एवढं बदललं आहे का, सडक बनवलं, हे केलं, गली बनवलं, गट्टू लावत आहे, नाळी दिसत नाही, हे सगळं सांगू नाही शकत, कारण की लोकांचं मत एक मिनिटात चेंज होते। आम्ही एका शॉपमध्ये आलो आहोत, तर आम्ही एका शॉपमध्ये आलो आहोत, चला यांचं नाव विचारूया, यांच्या शॉपचं नंदिनी लेडीज कॉर्नर। तर आता दिवाळी चालू आहे, तर मी सगळ्यांना सजेस्ट करते की या शॉपमध्ये या आणि तुम्ही आपली दिवाळीची शॉपिंग पूर्ण करा। खूप छान छान वस्तू आहे आणि सगळं ज्वेलरी वगैरे इथं अवेलेबल आहे। नंदिनी लेडीज कॉर्नर, गांधी चौक, बल्लारशा, गांधी वस्ती विभाग। तर मी आशा करते की तुम्ही नक्कीच इथे दिवाळीची शॉपिंग करायला येणार। तो काकू काय म्हणता, कशी चालली आहे शॉपिंग तुमची? बढिया चल रही मॅम। आमदार तर अच्छा ही चुनके आना चाहिए, जो सब पूरा बजट संभाल सके आमदार, वैसा आमदार आना चाहिए चुनके। भाऊ का नाम लिए लाड़की बहन के पैसे मिले ना, तो भाऊ बोलेंगे ना भैया लाड़की बहन, लाड़ी को सभी बहन है बनी है, ऐसी बात नहीं है। लाड़ीदार जो आए अच्छा ही आए बस। सुधीर भाऊ आएंगे शायद। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आने चाहिए सुधीर भाऊ? अच्छे काम कर रहे हैं ना अभी। और अगर वो आते हैं तो आपकी उनसे और क्या अपेक्षा है, क्या काम वो करने चाहिए? और विकास हो चंद्रपुर का और माने अच्छा। सांगताय चांगल्यापैकी छानपैकी आता म्हणजे आपले ते काम केले पाहिजे, आपल्या मुलांसाठी वगैरे काही केलं पाहिजे। तेल 135 रुपये लिटर भी कर दिए ना, स्टॅम्प पेपर 500 रुपये कर दिए, 100 रुपये का स्टॅम्प पेपर, उससे सस्ता फिर पेट्रोल भी नहीं है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो विकास करेगा वही आएगा। फिर विकास तो हुआ है अपने क्षेत्र का, इतना विकास तो पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले ही देख रहे हैं, जब से जो क्षेत्र में विकास हुआ है इससे विकास महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ है, चाहे बस स्टैंड लो या बाकी या हॉस्पिटल्स लो, विकास हुआ है यार। और क्षेत्र में सिर्फ एक रोजगार एक आदि प्लांट वगैरह ऐसा कुछ आता है तो बेटर ध्यान रहेगा। हमारी आमदार ने तो काम अच्छा किया हमारे यहाँ के, इनसे कोई जो नल नीचे नहीं आता, पानी नहीं आता, आज लोगों के छत पर पानी पहुँच रहा है, एक सबसे एडवांटेज काम हुआ उनका। तो फिर इस बार चुनाव में आपका वोट किसको जाने वाला है? डेफिनेटली सुधीर भाऊ को। मिळत आहे का लाडकी बहिणीचे पैसे वगैरे पूर्ण मिळाले? हो मिळाले। तो का त्याचे शॉपिंग तर नाही चालू आहे ना? कोणता व्यवसाय दिला पाहिजे, काही असं म्हणजे केलं पाहिजे, गरीब लोकांनी मदत केली पाहिजे, आपला व्यवसाय असाच राहते गरीब लोकांचा म्हणलं तर। तर जगदीश दादा तर आपल्याला मदातच सोडून गेले, पण तुम्हाला असं करायचं नाही आहे, तुम्ही सगळ्यांनी बाकीच्यांचे मतं तर ऐकलेच आहे, तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे, या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करायचं
करायचं आहे, तुमचं काय मत आहे हे तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगायचं आहे. लाईक करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करणं विसरायचं नाही आहे. तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.